to my channel Riddhi Ranjan Vlogs, that is in short RR Vlogs. और मैं आज बहुत दिनों बाद एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आई हूँ. मैं नॉर्मली इन दिनों आपको कुछ ऐसे ही घूमने फिरने का वीडियोस डाल रही थी, पर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज आपके लिए मैं कुछ काम का इम्पोर्टेंट चीज लाऊं जो मैं खुद भी कुछ दिनों से ढूंढ रही थी. तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग जो ऑफिस गोअर्स हैं या जो वर्किंग वुमेन है, कोई या कोई काम से जुड़े हुए रहते हैं, हम लोगों को मेकअप करने का इतना टाइम नहीं मिलता है. हाँ जी, नहीं मिलता है. रोज तो नहीं मिलता है, कभी कभार जल्दी हो जाती है. तो मैं हमेशा से ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जो फटाफट हो जाए और कवरेज भी अच्छा दे और बहुत अच्छा लुक भी आए, और वो भी 5 मिनट में. तो मैं ढूंढते 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 एक चीज डिस्कवर की हूँ, वो ये है मेबलिन का ड्रीम सैटिन स्किन अल्ट्रा ब्रीदेबल सैटिन टू वे केकी फाउंडेशन एज वेल एज कॉम्पैक्ट का काम भी ये करता है. तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करना जरूर से बनता है. तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं. को स्टार्ट करते हुए और टाइम को नहीं बर्बाद करते हुए सबसे पहले इसके पैकेजिंग के बारे में आ जाते हैं और डिटेल में बाहर से इसके पैकेज को अच्छी तरह देख लेते हैं. आते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में. पैकेज इस तरह का बॉक्स में आती है, लिखा हुआ है मेबलिन ड्रीम सैटिन स्किन अल्ट्रा ब्रीदेबल सैटिन टू वे केकी फाउंडेशन ऑल डे पोरलेस स्किन परफेक्शन वन फिल्म टेक्नोलॉजी लाइट वेट है नॉन कॉमेडोजेनिक सुटेबल फॉर एशियन स्किन टाइप और मेरा जो स्किन टाइप के अनुसार है शेड दैट इज B2 सॉफ्ट हनी. ठीक है, इसका प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है. प्राइस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. प्राइस 625 रुपीज है और एक्सपायरी डेट एंड बेस्ट बिफोर 21 है. और ये इसका बैक साइड का पैकेजिंग है और लिखा हुआ है कि यूनिक वन फिल्म टेक्नोलॉजी दैट गिव्स अ स्ट्रेचेबल फिट एक्सट्रीमली थिन लेयर ऑफ रिफाइंड पाउडर गिव्स अल्ट्रा ब्रीदेबल एंड लाइट वेट कम्फर्ट लास्टिंग पोरलेस फिनिश दैट स्टेज नॉन केकी ऑल डे. देखिए मैं अच्छी तरह आपको पैकेजिंग दिखा दूं ताकि आप खुद खरीदने से पहले अच्छा से इसको देख पाए. ठीक है, वापस मैं दोबारा से दिखा देती हूँ. अब इस बॉक्स को खोल के मैं अच्छी तरह इनर पैकेजिंग भी आपको दिखाती हूँ. बाहर का पैकेजिंग दिखा दिया. ये एक ऐसे बॉक्स में आता है और बॉक्स के अंदर से ये निकला ऐसा एक मेटालिक दिखने वाला बॉक्स जो बाहर से लाइट रोज गोल्ड कलर का है और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है मेबलिन न्यूयॉर्क और पीछे ऐसे डॉट डॉट्स दिया हुआ है और पीछे भी इसका मेरा शेड है B2 और मेरा ये B2 मतलब सॉफ्ट हनी ये शेड नंबर है. ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके साथ आता है एक बड़ा सा मिरर, आप देख सकते हो, और मिरर मिलने की वजह से ये बाद में भी काम आ सकता है. ये बॉक्स के अंदर था ये एक छोटा सा स्पंज, ट्रांसपेरेंट शीट से तो ये कवर किया हुआ था, और यहाँ पे है वो मैजिकल पोरलेस पाउडर. ठीक है, अब ये पार्ट में ये छेदा छेदा क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये केकी फाउंडेशन भी है, आप इसको गीला करके लगाने वाले हो, तो जब हम लोग गीला स्पंज को रख देंगे और इस बॉक्स को बंद कर देंगे ताकि यहाँ से हवा निकले और ये स्पंज धीरे धीरे अपने आप ड्राई हो जाए, तो इसके लिए ये दिया हुआ है. तो अगर मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करूं, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाय द पैकेजिंग. देखिए बहुत ही सुंदर है और मेरा शेड नंबर मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, दैट इज B2. अब आ जाते हैं इसके कवरेज के बारे में. तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगाया है, आईलाइनर लगाया और मैंने कंसीलर आंखों में लगा के रखा था. स्किन मेरा बेयर है, स्किन में मेरा कुछ भी नहीं है और मैंने प्राइमर वगैरह कुछ नहीं लगाया है. तो मैं थोड़ा सा इस तरफ पानी के साथ लगा के दिखाती हूँ और इस तरफ विदाउट वाटर पाउडर फॉर्म में दिखाती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे से लगा के दिखाती हूँ. आपको दिख रहा है शेड कैसे लगा? तो आपको ये एकदम पोरलेस है तो बहुत अच्छे से ये एक अच्छा सा फिनिश भी आपको देने वाला है. ठीक है, मतलब इन द सेंस वो बार बार कॉम्पैक्ट लगाओ, फाउंडेशन लगाओ, हर चीज लगाओ, हम लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाती है हड़बड़ी और जल्दबाजी में. ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लगाया है ये मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया, आप देख सकते हो कवरेज काफी लाइट है. एट द सेम टाइम ये जो कवरेज मुझे दिया है फॉर डे एंड फॉर ऑफिस वेयर, ये कवरेज काफी मेरे लिए सूटेबल है. मेरे गालों में वैसे भी स्किन में इतना रैशेज और दाग वगैरह नहीं है, तो उतना कवर करने के लिए मुझे बहुत हैवी थी फाउंडेशन रेगुलर.
पेपर में नहीं यूज करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कवरेज जितना दिया है एंड द स्किन स्मूथ और सच्ची में पाउडर पोरलेस है। अब आ जाएंगे इसी को टेस्ट करेंगे पानी के साथ केकी फाउंडेशन के हिसाब से कि कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो चलिए आपको झटपट दिखा देते हैं। मैंने ड्राई फॉर्म में लगाया था, अब मैं स्पंज को थोड़ा सा गीला कर लूंगी। ठीक है, थोड़ा सा पानी में इसको गीला कर लेने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं गीला कर चुकी हूँ और ये गीला करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा लेने के बाद देखते हैं कि कैसे ये कॉम्पैक्ट का काम करता है। आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड, कवरेज कुछ खराब नहीं दे रहा है और हम लोगों को धीरे धीरे कॉम्पैक्ट को सेट कर देना है। एज यू कैन सी जो रिजल्ट है वो आपके सामने ही है। अगर मैं ज्यादा कवरेज बोलूं तो ये ज्यादा कवरेज श्योर आपको नहीं दे रहा है। जैसे एक बीबी क्रीम सीसी क्रीम देता है उसे तो अच्छा ही कवरेज मेरे हिसाब से लग रहा है। मैं इस तरफ भी थोड़ा सा लगा दी, ऑलरेडी मेरा लगाया हुआ था तो आप देख सकते हो डिफरेंस मेरे ये गालों के डिफरेंस और ये। इसमें थोड़ा सा कम कवरेज मुझे लग रहा है, इसमें कवरेज हाई है क्योंकि ये केकी फाउंडेशन है तो ये अपना वो काम तो करेगा ही। तो ये था आज का मेरा छोटू सा वीडियो। और ये यूज करने के बाद आप धो के इसमें रख सकते हैं और क्योंकि इसमें ये पोर्स या छोटा छोटा होल्स बना हुआ है तो ये स्पंज भी ड्राई हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये वाला अच्छा फायदा था। अगर आप इसको नायका से ले तो ऑफर चलते रहता है, आपको काफी डिस्काउंट में मिल जाएगी। और मैंने तो ये शॉप से लिया था क्योंकि स्किन टोन मैच करके लेना बहुत ज्यादा जरूरी था तो मैंने नायका से नहीं खरीदा। फिर भी अगर मुझे नायका में कोई डील दिखे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और इसके बहुत तरीके के शेड्स होते हैं तो जब खरीदे प्लीज डू मैच योर शेड एंड बाय। तो मेरे हिसाब से ये सैटिन ड्रीम केयर इट्स अ गुड प्रोडक्ट और यू कैन इजिली गो फॉर इट। और अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। टिल देन बाय।